नमस्कार और आप देख रहे हैं सीट्यूब न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। पीएम का पुणे दौरा आज, मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम में शरद पवार भी शामिल होंगे। मणिपुर वायरल वीडियो केस, एससी ने आज भी सुनवाई। कोर्ट ने कहा सरकार के उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हुए तो तुरंत दखल देंगे। पीएम मोदी एनडीए के 44 सांसदों से मिले, कहा सरकार के कामों को जनता तक ले जाएं। विपक्ष ने चोला बदला, चरित्र वही है। चांद की तरफ निकलेगा चंद्रयान 3, पृथ्वी से 236 किलोमीटर दूर। इंजन कुछ देर के लिए चालू किया, 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक कल पेश होगा, अमित शाह लोकसभा में रखेंगे। इससे अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच, लैंड फॉर जॉब्स मामले में ईडी की कार्रवाई। बिहार गाजियाबाद में है ये प्रॉपर्टी। हिमाचल में कुदरत का कहर, पिछले 7 दिनों में नॉर्मल से 26% कम बारिश। शिमला के जिलों में 79% से अधिक बरसात, हर ओर तबाही का मंजर। आईआईटी बॉम्बे का आदेश, छात्रों से उनकी जाति न पूछे, जातिवादी चुटकुलों पर भी रोक लगाने के निर्देश। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार मिले अमेरिका तालिबान, यूएस ने की अपने नागरिकों के रिहाई की मांग, तालिबान बोला हमारी संपत्ति लौटाओ। पाकिस्तान में बम विस्फोट की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली, रैली में हुई थी 30 बच्चे समेत 54 की मौत, 10-12 किलो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ। यूके में प्राइवेट जेट इस्तेमाल करने पर घिरे सुनक, 1 घंटे का सफर भी प्लेन से, सवाल हुआ तो खफा होकर इंटरव्यू भी छोड़ गए। यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के एडवाइजर बोले हमारी जमीन छीनी तो यही रास्ता बचेगा। ऑस्ट्रेलिया बीच पर मिला रहस्यमयी चीज, भारतीय रॉकेट का मलबा, 14 दिन की जांच में खुलासा, दुनिया भर की स्पेस एजेंसी से किया था संपर्क। अफगानिस्तान में तालिबान ने जलाया तबला और हारमोनियम, कहा संगीत से नैतिक भ्रष्टाचार होता है, इससे युवा भटक जाएंगे। बिहार में जातीय गणना होगी या लगेगी रोक, फैसला आज। पटना हाईकोर्ट में 5 दिन तक चलेगी बहस, 500 करोड़ था बजट, 80% काम पूरा। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पटना और जहानाबाद में सुबह सुबह झमझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। 12 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना, राजेंद्र नगर टर्मिनल समेत 3 स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के लिए खुलेगा होटल, निर्माण कार्य शुरू। भारत वेस्ट इंडीज तीसरा वनडे आज, टीम पर 17 साल बाद सीरीज गंवाने का खतरा मंडराया। सीआरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2023, इसी हफ्ते से जारी होगा रिजल्ट, कैटेगरी वाइज रिलीज किए जाएंगे कट ऑफ मार्क्स। मृणाल ठाकुर ने सीतारमन के बाद 135% फीस बढ़ाई, 4 साल के कैरियर में 2 करोड़ हुई फीस, कभी घरवाले से छुपकर करती थी एक्टिंग। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सीट्यूब न्यूज।